फिर से वापस आ चुका मेरे नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के टूर्नामेंट में कुछ हुए फाइट्स के बारे में, जिसको मैं बेसिकली आप लोगों के लिए एनालाइज एंड ब्रेकडाउन करके बताने वाला हूं। कुछ तीन एपिक फाइट्स हुए थे इस टूर्नामेंट के दौरान, जो मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने ब्रेकडाउन करके लाना बहुत जरूरी है, एंड आप लोग भी कुछ चीज सीख सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर के, तो जल्दी जल्दी हम लोग 10K सब्सक्राइबर की फैमिली तक पहुंचना चाहेंगे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट पहले लाइक करो वीडियो को, ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए शुरू करेंगे आज का एनालिसिस। ये रहा पहला क्लिप या फिर पहला फाइट आप लोगों के सामने, ये हुआ ओरैंगोटैंग इलीट, यहाँ पे आइकॉनिक आपको दिख रहा है, ये रहे किलर, एंड उसके साथ साथ आपको टीम में 5K प्लेयर्स नजर आएंगे, विच इज टोटल गेमिंग की टीम। एंड इस फाइट में TSM के प्लेयर्स भी थे, आप यहाँ पे किल फीड में देख पा रहे हो कि किलर ने ओल्ड मॉन्क को टेक डाउन किया है, इनके बहुत ही आजू बाजू ये तीन टीम्स होते हैं। अब ये आप लोग पूछ रहे होंगे कि यार और भाई इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल काम किया है TSM के हग्गू यानी कि हमारे मिस्टर जय वाइटी ने। अब आप खुद देखिए कि उन्होंने क्या हरकत की है। सबसे पहला चीज, पहले यहाँ पे हग्गू भाई साहब जो है किलर को अपने M1887 से टेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओल्ड मॉन्क नॉक्ड आउट पड़े हुए थे, आइकॉनिक ने इनसेन को ट्रेड आउट किया। अगर देखा जाए तो हग्गू यहाँ पे अकेले जिंदा थे, एंड वो कूदते हैं, कूद फांद करते हैं, एक और घुमा के शॉट कनेक्ट करते हैं आइकॉनिक पे, और ओरैंगोटैंग इलीट यहाँ पे एलिमिनेट किए जाते हैं। हग्गू के हुए 2 किल, एंड हमारे कौशिक भाई साहब ने ये फाइट में थोड़ा सा और हेल्प कर दिया यहाँ पे जय का, या फिर हग्गू स्पेसिफिकली कहूँ तो यार हग्गू बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, जय ही बोलता हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको पता है कि हमारे प्लेयर जो है ना बड़े अनोखे अनोखे काम करते हैं। बट एनीवेज ये जो फाइट हुआ था, आप समझ सकते हो कि ऐसे लॉबीज में जब टूर्नामेंट फॉर्मेट चल रहा होता है, टीम्स जब 4v4 हेड ऑन हेड फाइट ले रहे होते हैं, कितना ज्यादा हीटेड मोमेंट होता है उस सिचुएशन में, अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी होता है एज अ टीम। अब यहाँ पे इंसेन को भी रिवाइव मिल जाता है, TSM के पास चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव रहते हैं, 8 फिनिशर्स निकाल रहते हैं। अब उनका अगला निशाना होता है टोटल गेमिंग की टीम। अब जो है आगे जाके, क्योंकि वो इंस्टेंट फाइट ना हो या फिर टोटल गेमिंग की टीम, वहां पे रहकर भी थर्ड पार्टी करने जाते नहीं है, बट जो हमारे 8 नंबर की टीम है, विच मीन्स हमारे TSM की टीम, ये है TSM, ये है आपके TG, मैंने आपको दिखाया पीछे से आके TSM ने इनको परेशान किया होता है। इनके पास सर्कल है टोटल गेमिंग के पास, बट कॉन्स्टेंट प्रेशर जिसे हम कहते हैं, यही चीज की तो हम हमेशा बात करते हैं एज अ टीम, आप कैसे प्रेशर क्रिएट कर सकते हो सर्कल के अंदर वाली टीम को, आप खुद एडवांटेज में ना होके सामने वाला जो एडवांटेज में है उसको डिसएडवांटेज में डालते। देखिए हग्गू ने यहाँ पे डिलीट को पहला नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया। जब आप टोटल गेमिंग के ऐसे प्लेयर को एक नॉक एंड फिनिश डाल देते हो, अब देखिए खुला छूट मिल जाता है आपको, अब सीधा घुस चुके सर्कल के अंदर। अब TSM के सामने यहाँ पे माफिया है अकेले, ओल्ड मॉन्क यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब माफिया का एक्शन देखिए, माफिया भी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है, वो ओल्ड मॉन्क से फाइट ले लेते हैं, बट यहाँ पे ओल्ड मॉन्क नहीं, यहाँ पे फिर से कौन डाउन करता है उनको, TSM के इनसेन। तो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो आगे चल के TSM की टीम इस मैच में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। दो बड़े नाम जो ऑन फॉर्म टीम है, OG इलीट एंड टोटल गेमिंग को उन्होंने एक फाइट में हराया, पहले तो OG को उन्होंने हेड ऑन हेड फाइट में हराया, फिर सर्कल में एंट्री लेते वक्त यहाँ पे टोटल गेमिंग को परेशान करके उन्होंने एलिमिनेट किया। सो आई थिंक वेल डन TSM, एंड ये था मेरा पहला क्लिप। अब जो दूसरा क्लिप है वो है फिर से एक और आखिरी सर्कल, ये है आपका बर्म्यूडा का मैप, यहाँ पे भी फाइट चल रहा होता है ओरैंगोटैंग इलीट टोटल गेमिंग, बट इसमें भी क्या स्पेशलिटी है फिर से आप पूछोगे और भाई, बट इसमें स्पेशलिटी ये है, आप खुद देखोगे कि ड्रेगो क्या काम करता है। अभी अगर हम मैं स्पेसिफिकली अगर कहने की कोशिश करूं टोटल गेमिंग की टीम का, वो डोमिनेशन, वो जो रन है, वो जो रैम्पेज पे चल रहे हैं, वो अभी भी उनका कंटिन्यूएशन पे है। अब आप इस सिचुएशन में देखिए क्या किया जाता है, पहले यहाँ पे पहाड़ी नॉक होते हैं क्योंकि सामने फौजी अजय होते हैं, ये जो सर्कल का पोर्शन देखिए, सर्कल में अभी इस वक्त कोई भी टीम नहीं है, बट टोटल गेमिंग के प्लेयर्स का पोजीशन देखिए, ये है फौजी, ये है माफिया, ये लोगों ने पूरा ऑलमोस्ट आप देखिए मैप का कितना ज्यादा कंट्रोल लेके रखा है। एंड इसी वजह से हमें हमेशा इसीलिए कहते हैं कि एज प्लेयर आपको मैप का कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है। सामने यहाँ पे ड्रेगो घुसे हुए रहते हैं, फौजी अकेला अलग जगह पे लड़ रहे हैं, फौजी और माफिया डिफरेंट डिवीजन में देख रहे हैं, ड्रेगो अकेला लड़ रहा है TSG के साथ, पीछे से माफिया जो है इनको कवर फायर क्रिएट करके दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में ड्रेगो भाई साहब का मूव देखे, वहां पे डिलीट को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, ड्रेगो को देखे यहाँ पे, वो अकेला भाई साहब यहाँ पे स्काइट से फिनिश ऑफ कर रहे हैं प्लेयर्स को, लिटरली ये होता है कोऑर्डिनेशन, पीछे से माफिया दे रहा है उनको कवर फायर, ये विंडो से ग्लू ऑल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे स्काइट से घुस गए हमारे ड्रेगो भाई साहब, दो फिनिश पॉइंट निकाल दिए यहाँ पे, बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे लेजेंड एंड ओजस्वी, हाँ आप कह सकते हैं कि लो है, माफिया ने दूर से यही सामने वाले विंडो से इसी के सामने माफिया खड़ा हुआ है, यहाँ से शॉट पड़ते हैं और ड्रेगो यहाँ पे घुस के, अब ये
ड्रेगो को एक कंप्लीट प्लेयर बना देता है कि नॉट ओनली ही इज अ ग्रेनेडियर स्पेशलिस्ट, वो अपने असॉल्टिंग एंड अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना जानता है। अब आइकॉनिक आगे बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है एसके प्लेयर्स के सामने 2v1 का सिचुएशन यहाँ पे बड़े आसानी से खत्म कर देता, बट स्टिल आइकॉनिक यहाँ पे यू नो अपनी टीम के लिए फाइट बैक करते हैं क्योंकि टोटल गेमिंग के प्लेयर्स माफिया जो है पीछे से एक प्लेयर को खत्म करते हैं, आइकॉनिक यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अब देखिए पूरा फाइट किधर टर्न आउट हो गया, तो मैप के अंदर आप मिनी मैप को देखिए, मिनी मैप देखना बहुत जरूरी होता है एज अ प्लेयर। तीन प्लेयर जोन के अंदर, ये एक दो तीन, ठीक है, ड्रेगो, फौजी और माफिया। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आप एज अ टीम सोचोगे कि टोटल गेमिंग यू नो बड़े आसानी से यहाँ पे भूया कन्वर्ट करेंगे एंड वो कन्वर्ट करते भी हैं। अकेले बचे रहते इस सिचुएशन में इंजेक्ट डिवाइन, उनके लिए इस सिचुएशन में मैप को जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे जाके मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे और स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल वही था कि कैसे प्लेयर टोटल गेमिंग के पोजीशन ले रहे थे, वो पोजीशन में रह के, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसी वैसी लॉबी तो है नहीं, सारे प्रो प्लेयर्स हैं, एनजीएक्स एंड ओजी एंड हेक्स, ये लोग सब कहीं ना कहीं टीजी के साथ बहुत बार खेल चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार फेस कर रहे हैं, प्रो लॉबीज में ऐसा बहुत बार होता है, बट टीजी का स्पेसिफिक पोजीशनिंग एंड ड्रेगो बीइंग अ कंप्लीट प्लेयर वो इस क्लिप को और स्पेशल बना देते हैं। इस साल के टूर्नामेंट का तीसरा क्लिप या फिर तीसरा एपिक फाइट एक और जो हुआ वो हुआ फिर से परगेटरी में, एंड ये आई थिंक इस टूर्नामेंट का फिफ्थ मैप था एंड आखिरी सर्कल में ये फाइट हमें देखने को मिला। वंस अगेन टोटल गेमिंग वर्सेस ओजी वर्सेस टीएचजी वर्सेस निग्मा गैलेक्सी, निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बट मैं आप लोगों को फिर से ना पोजीशनिंग दिखाऊंगा, टीजी का पोजीशनिंग देख लो, ये रही टोटल गेमिंग की टीम, ठीक है। अब ये आपका हो गया ओवरव्यू पर्सपेक्टिव, ये हो गया आपका मिनी मैप, ठीक है। राइट हैंड साइड में टी नंबर 4 ये मोस्टली आपकी टीएचजी की टीम है, ये जो 6 नंबर की टीम है ये है निग्मा, सॉरी 4 नंबर की टीम है आपकी टीएसजी, एंड ये है आपकी इधर ही कहीं ना कहीं 4 नंबर के साथ आपको ओजी एलीट के प्लेयर देखने को मिले, वो है 8 नंबर की टीम, और 6 नंबर की टीम जो है ये है निग्मा गैलेक्सी। मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ कि फिर से कैसे पोजीशनिंग चेंज किया जाता है हमारे टीजी के प्लेयर्स के द्वारा। पहले तो यहाँ पे निग्मा को खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहाड़ी और किलर यहाँ पे बचे हुए हैं, अब यहाँ पे ओजी के पास एक ही चॉइस है, या तो यहाँ पे टीएचजी को खत्म करो या तो यहाँ पे बैठ के स्पेक्टेटर बन जाओ, बट उनके पास यूटिलिटीज नहीं है। पहाड़ी के पास 0 ग्लू वॉल, 0 फर्स्ट एड, इसका मतलब पहाड़ी और कुछ कर नहीं सकते, उनको यहाँ पे हीलिंग नहीं है, उनको यहाँ पे फाइट लेना पड़ेगा, ऊपर से एक शायद मोस्टली आइस ग्रेनेड ही होगा। राइट हैंड साइड में किलर को देखिए, किलर यहाँ पे निकल रहे हैं दौड़ के, ठीक है, किलर यहाँ पे दौड़ के निकल चुके हैं, उनको किलर को पता है कि हमें यहाँ पे टीएचजी के साथ लड़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल गेमिंग के साथ वो फाइट कर ही नहीं सकते, टोटल गेमिंग हम एक दूर पे है, टोटल गेमिंग के साथ वो फाइट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे, तो वो पूरा भिड़ जाते हैं। किलर जाते ही अब यहाँ पे सामने से लेजेंड जो है नॉक करते हैं पहले पहाड़ी को, किलर का पर्सपेक्टिव दिख नहीं रहा था, बट किलर वहां पे जाके फौजी को नॉक भी कर चुके हैं। अब जाके किलर यहाँ पे एक अमेजिंग प्ले बनाते हैं, आप देखिए किलर का प्ले, क्यों ये प्लेयर इतना ज्यादा यू नो ओपी कहा जाता है। लेजेंड को यहाँ पे नॉक टेक डाउन कर चुके हैं, ठीक है। पहला उनका एचपी देख लीजिए, ठीक है, एचपी देख लीजिए, 30 एचपी पे है, 4 फर्स्ट एड है, बट फर्स्ट एड लगाने का टाइम नहीं है, ना कोई ग्लू वॉल है, ग्लू वॉल भी खत्म हो चुका है। अब इस सिचुएशन में बंदा क्या कर सकता है, मतलब एज अ नॉर्मल प्लेयर आप गिव अप कर दोगे ना, बट ये गिव अप करने वाला बंदे में से है ही नहीं। पहले जाता है, घुसता है, एक बार जाके शॉर्ट कट करता है, लेजेंड वहां पे अभी भी डाउन है, घुसता है, नॉक एंड फिनिश विहान को, ठीक है, पूरी की पूरी टू साइड गेमर्स को खत्म करके चले आते हैं। विहान यहाँ पे जो नॉक पड़े हुए थे, विहान को भी खत्म करते, पूरा टू साइड गेमर खत्म कर चुके। अब अकेला ऑब्वियसली बात है, फौजी को भी, फौजी का किल भी यहाँ पे किलर के पास गया, उस छोटे से स्पैन ऑफ सेकंड के टाइम में किलर के पास 4 किल आ चुके हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं किलर यू नो ये जो मेहनत करता है, ग्राइंड करता है, वो दिखता है गेम में, दैट इज व्हाई ही इज वन ऑफ दोस असॉल्टर्स, फाइनेस्ट असॉल्टर्स दैट इंडिया हैज सीन। बट साउंड द टोटल गेमिंग की टीम आती है, ऑब्वियसली वंस अगेन पोजीशनिंग उनके पास है, अकेला बंदा कुछ कर नहीं पाएगा, इतने कम एचपी पे है। वंस अगेन एक और आसान सा बूया टोटल गेमिंग की टीम लेके जाती है। एंड ऑफ दिस मैं आपको एक बार यू नो ओवरऑल स्टैंडिंग्स दिखाना चाहूंगा, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में आपको फिर से बड़े आसानी से टोटल गेमिंग की टीम नजर आएगी विद 151 पॉइंट। हालांकि देखिए ये मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है या फिर बहुत मायने रखता है, बट स्टिल हर एक टूर्नामेंट में हर जगह पे उनका वो डोमिनेशन दिखाना वो अपने में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो दो क्लिप दिखाया दोनों मैचों में, वहां पे टोटल गेम की टीम ने भूया मारा, एक में हग्गू ने बहुत ओपी मैच निकाला, आई थिंक ड्रेगो मेड दैट क्लिप अ कंप्लीट शो अस की वो एक कंप्लीट पैकेज बन सकते हैं। किलर ने वहां पे दिखाया कि क्यों वो वन ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट है, गोट कह सकते हैं उन्हें। सो दैट इज इट, आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा, अगर एनालिसिस पसंद आया है
जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सारे प्लेयर्स और क्या कर सकते थे उस सिचुएशन में, एंड जरूर से मुझे और भी चीजें बताना कि मैं आगे आने वाले समय में क्या वीडियो या फिर क्या कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूं। टिल देन सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग बहुत 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 पास आ चुके हैं 7000 सब्सक्राइबर के, और लाइक करे बिना जाना नहीं ये वीडियो को। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।